बाबा मैं तो नारायणगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और मेरा नाम नयन कुमार है। क्या नयन कुमार? हाँ बाबा, बहुत सुंदर नाम बच्चा, लेकिन बच्चा नयन कुमार तुमने तो मेरा इतना सेवा किया है, इतना सेवा किया है, तुम्हारे सेवा करने पे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ बच्चा। तुम मुझसे कुछ मंगल मांगो अपनी जिंदगी के लिए। बाबा आप क्या कर रहे हैं बाबा? अरे तो हमारा फर्ज है कुटिया की साफ सफाई करना, आपकी सेवा करना, इसमें मंगल मांगने की क्या बात है बाबा? बच्चा नहीं तुम्हार, तेरा कहना उचित रहा, मैं कह रहा हूँ कि तुम मुझसे कुछ ले लो, ताकि जब तक इस पृथ्वी पर रहोगे तब तक तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, हमेशा खुशहाल रहोगे। मांगो मुझसे बाबा। क्या है? हम ना बोलो थे तो अरे चलो आत्मा बोलो अच्छा। तो के गलत फेमी होता तो कैसे तुम तो जन्म धोत हुआ तो थोड़ा के जो मांगना है मांग लो, तो कन्हैया खून हमें हजारों मांगे तो ही मिलेगा। कुमार जो तेरे दिल में अरमान है इच्छा है मुझसे मांगो। क्या बाबा? अब कह रहे बेटा कुछ मांगो मैं दे दूंगा। क्या बाबा? मैं जो मांगूंगा वो आप मुझे दे देंगे? हाँ बच्चा नयन कुमार, जो भी कुछ मांगोगे मिल जाएगा, मांगो। पहला दिल भर ना मांग ले बाबा। अगर देने है तो मुझे ऐसा आशीष दीजिए जिसे मैं राजा बलभद्र की आगे ठीक कर सकूं। क्या मार दे हलस तो अकेला कहा हवा मार दे हलस। अरे तू साधु ना साधु का हित बड़ा हो। क्या वचन है तुम्हारे? तूने क्या मांग लिया? ना वचन मत हो बा। कोई राजा है उसकी आंख खराब है, उसकी आंख को ठीक करने के लिए कह रहे हो? हाँ बाबा। बच्चा नयन कुमार मेरे बस की बात नहीं है कि वह राजा की आंख ठीक हो। बच्चा नयन कुमार संसार में कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो उसको उनकी आंख को ठीक कर दे। तुम अपने लिए कुछ मांगना है तो मांगो, राजा की बात को छोड़ो। राजा से तुम्हें क्या लेना देना है मांगे, तुम अपने लिए उस राजा की बात को छोड़ो। क्या बाबा? आपने कुछ देर पहले कहा बेटा कुछ मांगो मैं दे दूंगा, कहने पे न कर रहे हो बाबा? हाँ न करत होगा जब कहला देवे के तदा। न कर नहीं रहा हूँ, तुम अपने लिए कुछ मांगना है तो मांगो। अरे मैं तो समझता था किस साधु के वेश में आप भगा ले, लेकिन अब मैं नहीं दुनिया बोली अपा कर दिए। अरे मैं कुमार आपके कुटिया से जा रहा साधुया के कुल के साधु जी हर्षित हुआ। बच्चा नयन कुमार तुम लोग तो मेरे को बहुत कुछ बात करके जा रहे हो, और का कम न तो करी होंगे बड़े, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर नाराज नहीं हूँ। लड़का नादान बा बाबा सयान बना ले उतना ही खुश हूँ बच्चा। आओ मेरे पास जा, तुम्हें अपने हाथ से नाराज होकर नहीं जाने दूंगा बच्चा। जा जा बाबा, जा बाबा खुश हूँ तो कहती है। बच्चा नयन कुमार मुद्रिका इसको संभाल करके रखना। ले ला ले ला अंगूठी ले ला सुमंजन, यहाँ की बाबा खिचड़ी पर दे तुम। बाबा ये मुद्रिका आप मुझे दे रहे हैं, ये मुद्रिका के अंदर कोई गोल तो होगा बाबा? हाँ बच्चा, पूरा चिमनी से भर ला मुद्रिका के अंदर वो गुण है बच्चा। जब तक तेरे साथ हम मुद्रिका रहेंगे तो सोचो इस दुनिया में तुम हमेशा हमेशा बरकरार रहोगे। यदि वो मुद्रिका खो गई तो तुम इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे, इस दुनिया में नहीं रह पाओगे बच्चा, नहीं रह पाओगे। हाँ ले ला। क्या बाबा ये मुद्रिका खो जाएगी तो मैं दुनिया से खो जाऊंगा? हेरा जाएगा कि तो हर मटियो लग जाएगी। ठीक है बाबा, इस मुद्रिका को अपने जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा बाबा। लेकिन बच्चा नहीं कुमार और राजा की आंख को ठीक करने के लिए कह रहे हो ना? हाँ बाबा। तो मैं बता रहा हूँ कि वो राजा की आंख कैसे ठीक हो सकती है, उसे ध्यान से सुनो। बाबा कहिए बाबा। बच्चा नयन कुमार
यहाँ से कुछ दूर जाओगे तो एक जापानी जादूगर रहता है और उसकी एक छोटी सी मयावी बगिया है और उस मयावी बगिया में बच्चा एक ही पेड़ है जो बारहो मास एक ही फूल खिला रहता है। जब उस फूल को तोड़कर लाकर राजा की आँख में लगा दोगे तो राजा की आँख ज्योतिमय हो जाएगी बच्चा। दादा आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा करूंगा बाबा। लेकिन बच्चा नयन कुमार उस बाग में जाना इतना आसान नहीं है। जो भी कोई इंसान जाता है उस बगिया के अंदर माया की नींद आती है और माया की नींद में सो जाता है। जब जापानी जादूगर को मालूम होता है वो आता है अपने बगिया के अंदर तो उसे देखता है तो उसे ले जाकर के जिंदे चक्की में पीस देता है बच्चा। लेकिन बच्चा नयन कुमार जब तक तेरे साथ हम मुद्रिका रहेंगे तो सोचे दुनिया में कोई माई का लाल तेरा पाल बागा नहीं कर सकता है। लेकिन तुम हमेशा उस मुद्रिका के ऊपर ध्यान देते रहना और ध्यान देते हुए तुम हंसी खुशी के साथ उस बगिया के अंदर जाओ। जा जा बगीचा में जा बगीचा में जा ईद के बना है जर्सी सांड छूटा बना वो लड़का इस बात की तलाश में पहुंच जा रहा है। इधर देखें उसे मायावी बगिया की रखवाली करने वाला वही जापानी जादूगर आगे होता है क्या है सिर पर जिम्मेदार में अरे नया पूरी नगरी लुटेरा